स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब महालक्ष्मी को पता चला श्रीनिवासा और देवी पद्मावती के विवाह के विषय में, और आखिर श्रीनिवासा कैसे शिला बन गए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब पद्मावती संग श्रीनिवासा का विवाह हो चुका था। श्रीनिवासा के सर पे मुकुट रखकर उनको तिरुपति का राजा बना दिया गया था। श्रीनिवासा और देवी पद्मावती का वैवाहिक जीवन काफी अच्छे तरीके से बीतने लगा था। श्री हरि विष्णु जो श्रीनिवासा के रूप में थे, उनको देवी लक्ष्मी की याद आए दिन सताती रहती थी। श्रीनिवासा देवी पद्मावती के साथ विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन वे देवी लक्ष्मी के यादों से कभी मुक्त नहीं हो पाते। श्रीनिवासा को देवी लक्ष्मी का याद बहुत ही सताने लगती है, और उसी वक्त दरवाजे पर एक आहट होती है। श्रीनिवासा पूछते हैं कौन है दरवाजे पर। देवी लक्ष्मी अपना परिचय देती है। श्रीनिवासा के रूप में श्रीहरि विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। देवी लक्ष्मी से मिलकर श्रीनिवासा के आंखों से अश्रु आ जाती हैं। आखिर इतना दिन के विरह के बाद वो देवी लक्ष्मी से मिले थे, और वो देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आप वापस आ गई। इस पर देवी लक्ष्मी कहती है, नहीं देव, मैं वापस नहीं आई हूँ। मुझे देवर्षि नारद ने बताया कि आपने राजकुमारी पद्मावती से विवाह कर लिया है। आप तो इस पृथ्वी पर मेरे लिए आए थे, तो आखिर ये कौन है पद्मावती और क्यों आपने उससे विवाह कर लिया। इसके बाद श्रीनिवासा देवी लक्ष्मी को बताते हैं, हे देवी, मैं आया आपके लिए ही था, लेकिन आपको पता है हम देवों का जो कर्तव्य ही कुछ ऐसा है। इस पर देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर कहती है, ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसके लिए आपको पद्मावती को मेरा जगह देना पड़ा। मेरा स्थान आपने आखिर कैसे दे दिया। इस पर श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपका स्थान कभी मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि वो स्थान कभी किसी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये भी सच है, देवी पद्मावती का अलग ही स्थान मेरे हृदय में है। देवी पद्मावती ने एक वक्त मेरा बहुत ही ज्यादा सहायता किया था, जब मैं श्री राम के रूप में अवतरित हुआ था। उस वक्त पद्मावती वेदवती थी। उस वक्त वेदवती ने मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मैं एक पत्नी व्रत ले चुका था, इसीलिए उस वक्त मैं उनसे विवाह नहीं कर पाया। लेकिन मैंने उनको ये वचन दिया था कि मैं कलयुग में आपसे विवाह करूँगा, और इसी कारण मुझे वेदवती के साथ विवाह करना पड़ा। देवी लक्ष्मी ये सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रीहरि को देखने लगती है, और उनके हृदय से जाकर लग पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लेती है। उसी वक्त देवी पद्मावती वहाँ पर आ जाती है, और वो देवी लक्ष्मी से कहती है, हे देवी, आपके पति श्रीहरि विष्णु है, ये मेरे पति श्रीनिवासा है, आप इनसे कृपा दूर रहिए। और देवी लक्ष्मी देवी पद्मावती को बहुत ही समझाने का प्रयत्न करती है, लेकिन देवी पद्मावती श्रीहरि विष्णु को वैकुंठ ले जाने किसी भी मूल्य पर नहीं देना चाहती थी। और इस पर देवी लक्ष्मी को क्रोध आ जाता है, और उनका मधुर स्वर कठोर हो जाता है। श्रीहरि विष्णु को बहुत ही अधिक बुरा लगता है। इसके पीछे का कारण ये था, भले ही इसमें उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन उनके वजह से दो स्त्रियों के मन को बहुत ही अधिक आहत हुआ था। इस बात के ग्लानी से श्रीहरि विष्णु भर जाते हैं, और वो शिला के रूप में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। और जब देवी पद्मावती और देवी लक्ष्मी का नजर उन पर पड़ता है, तो उनको भी बहुत ही ज्यादा ग्लानी होने लगता है, हमारे स्वामी तो शिला बन गए, हम किसके लिए विवाद कर रहे हैं। और देवी लक्ष्मी के साथ देवी पद्मावती भी तुरंत वहीं पर शिला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हमारे प्यारे दोस्तों,
ये हुआ था जब देवी लक्ष्मी को पता चला था देवी पद्मावती संग श्री हरि विष्णु के विवाह के विषय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो नारायणा। मिलते हैं अगले वीडियो में।